गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सफर। अभी पासीघाट से ईटानगर निकल रहा है। ईटानगर टू पासीघाट, पासीघाट टू ईटानगर ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स है। आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला निकल रहा है। सोशल मीडिया में भी अपलोड किया था, अगर कोई मेरा साथ जाना चाहता है तो जा सकता है आज का दिन में। कल शाम को अपलोड किया था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, क्योंकि यहाँ से पासीघाट से ईटानगर का अगर हम गाड़ी भरा विंगर का फेयर मैंने जो प्राइस है टिकट का वो ऑलमोस्ट 600 कुछ ऐसे है क्या। तो अगर मेरा ट्रक कोई मेरा साथ जाता है तो उसका पैसा बच जाएगा, तो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरा कोई हम सफ़र मिल जाएगा और जो मेरा साथ जा रहा है उसके लिए भी अच्छा है क्योंकि उसका पैसा भी बच जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें तीन स्टिक है, ये देख सकते हैं आप तीन स्टिक है इसमें। फोकस ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप देखा होगा कि मेरा टैंक में तीन स्टिक बचा हुआ है। एक स्टिक कितना लीटर को रिप्रेजेंट करता है मालूम नहीं है, बट जो भी हो तीन स्टिक तो ज़्यादा नहीं होता होगा। यानी आपको ये दिखाने का मतलब यही था कि ये तीन स्टिक से कि हम पासीघाट से ईटानगर पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते। यहाँ से पासीघाट से ईटानगर ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर एबव है। सो लेट्स होप कि ये तीन स्टिक से हम पासीघाट से ईटानगर पहुँचेगा होगा। और अगर यहाँ से पहुँचते तो हमको लगता है कि ये स्कॉर्पियो क्लासिक का माइलेज अच्छा देता है बोल के। तो चलिए इस सफ़र में मेरे साथ मेरे हम सफ़र एक प्यारा सा यादें बना के चलता है और देखता है कि ये तीन स्टिक से पासीघाट से ईटानगर पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। सो फाइनली अभी हम पासीघाट से जो हमारा अरुणाचल का इलाका है पासीघाट से रुकसिन पहुंच गया रेडूम ये सब। और ये है चेक पोस्ट पासीघाट, बोले तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम का। वैसे आपको पहले भी बताया था, अगर आप ब्लॉग देखता है तो मालूम होना था और मालूम होगा कि ये क्या है, कौन सा जगह है। मौसम को देख के तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आज बारिश होगा क्या शायद। मौसम देख के आप सबको मालूम ही हो गया होगा कि शायद आज बारिश भी हो सकता है। अगर बारिश होता है तो बहुत अच्छा बात है मेरे लिए स्पेशली, और जो पासीघाट से ईटानगर के लिए जर्नी कर रहा है और जो ईटानगर से पासीघाट के लिए जर्नी कर रहा है। क्यों बोलेगा तो और अब भी लग सकते हैं आप लोग सुन के, बारिश गिरने से क्या होता है कि जो बाइक वाला जो साइकिल वाला ज़रा रोड में नहीं निकलते, तो इसलिए बारिश होने से आना जाना के लिए बहुत अच्छा होता है। बट ये मेरा बोलने का मतलब नहीं कि ऐसा बारिश होना ही है बोल के, बट थोड़ा एडवांटेज होता है अगर हम पासीघाट से ईटानगर, ईटानगर से पासीघाट जाता है तो। और ऐसा बोलने का कारण भी ये है कि देखिए यहाँ से लंबा रास्ता है और यहाँ का आदमी लोग चाहे वो रिक्शा हो या चाहे वो बाइक हो सही देता नहीं है। आप जितना भी हॉर्न मारेगा उन लोग सुनता ही नहीं है, सुन के भी ना सुना जैसे करता है। इसलिए हमको लगता है कि अगर जर्नी करना है तो बारिश होने से बहुत बढ़िया एक एडवांटेज आपका पे हो जाता है अरुणाचल के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ जैसे कि अभी भी बोला है आपको कोई सही देता नहीं है। देने वाला देता है बट 100 में से 80% नहीं देते हैं। तो इसलिए हम बारिश को थोड़ा फेवर कर रहे हैं खुद का झारनी के लिए। सेल्फिश थोड़ा हो रहा है हम यहाँ में, बट बारिश नहीं गिरने से भी ठीक ही है। जैसे आपको हम आगे को बताया था कि बारिश होगा क्या हमको लग रहा था, तो सच में अभी बारिश होना शुरू हो रहा है। अब भी जैसे स्टार्ट हुआ है अकेला भी बोरिंग है जर्नी, बट कोई हम सफर मिला नहीं। सोशल मीडिया में भी अपलोड करके देखा था, कुछ पड़ा नहीं। तो चलिए अकेला ही से लेकिन एक यादें बना के चलते हैं। सो फाइनली सिलापत्थर पहुंच गया। यहाँ से सीधा जाएगा तो आपका लिगावाली जाएगा। अभी हम यह लेफ्ट टर्न करेगा, यहाँ से पासीघाट से अगर आप लेफ्ट टर्न करेगा तो ईटानगर के लिए रास्ता निकल जाएगा। सो ये है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इसमें तीन वो था स्टिक बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली हम मालूम नहीं, लेकिन डीजल का तीन वो था बॉक्स था। अभी कितना तक आ गया मालूम नहीं है, सस्पेंस है। इससे थोड़ा माइलेज भी पता चल जाएगा कि कितना देता है ये स्कॉर्पियो क्लासिक। आपको थोड़ा सा सस्पेंस में रखा है कि यहाँ तक जो स्टिक है वो कितना तक गिर गया बोल के।
आप अंदाज लगा सकते हैं यहाँ से सिलापत्थर से पासीघाट और पासीघाट से सिलापत्थर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर एबोव है। सो अंदाज लगाइए कि आपको हम पूरा इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर जो डीजल का जो टैंक का वो इसलिए नहीं दिखा कि ताकि सस्पेंस बना रहे, ऐसे सस्पेंस का कोई बात नहीं। अब आप खुद भी अंदाज लगा सकते हैं कि पासीघाट से सिलापत्थर और सिलापत्थर से पासीघाट तो 100 किलोमीटर एबोव है, तो तीन तागे को तीन में से एक ही जाने से जा सकता है। लास्ट को आपको हम दिखाएगा क्लिप में कि कितना बच गया है, कितना तक हो रहा है सिलापत्थर और पासीघाट, पासीघाट तो सिलापत्थर तक का क्या दो स्टिक बचा है, क्या तीन स्टिक अभी तक बचा हुआ है या दो स्टिक अभी बचा हुआ है, लास्ट तक दिखाएगा वीडियो कि स्टिक में 100 किलोमीटर आपका चला जाता है डीजल आराम से। बता नहीं पा रहा होगा हम ठीक से शायद, पर आप समझ रहा होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। तो अभी हम लास्ट को बताएगा, लास्ट को दिखाएगा कि पासीघाट से सिलापत्थर कितना स्टिक बस गया और कितना स्टिक तक चल रहा है बोल के कुछ समझा। अब आप तो कुछ नहीं समझा होगा, एक्चुअली हम भी कुछ नहीं समझा क्या हम आपको क्या बता रहा है और हम आपको बता क्या चाहता है, बट एनी हाउ चलिए और सफर में आगे बढ़ता है। ये यार अरुणाचल गाड़ी है, ये राइट टर्न करेगा क्योंकि इसको पासीघाट या लिखावाली से ईटानगर जाना है। तो सिलापत्थर में कितना डिस्टेंस होता है नेट में सर्च किया तो ऑलमोस्ट 101 किलोमीटर दिखा रहा था। तो आगे को जैसे हम बताया था कि सुबह को मेरा तीन स्टिक बचा था, हम पासीघाट से ईटानगर के लिए तेल नहीं भरा है, जितना तीन स्टिक बचा था उतना में चला के देख रहा है, रिक्स में जाके देख रहा है। तो सिलापत्थर तो पासीघाट, पासीघाट तो सिलापत्थर 100 किलोमीटर एबोव है, 101 कुछ ऐसे दिखा रहा था, अभी जस्ट हमने इतने दिखाया जैसे आपको भी हम बता। तो अभी हम आपको दिखाएगा कि सिलापत्थर तो पासीघाट और पासीघाट तो सिलापत्थर, ये बात को कंटिन्यू कर रहे मुँह से निकल रहा है बट ये दोनों को तो पासीघाट तो सिलापत्थर का डिस्टेंस 100 एबोव तय करने के बाद इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में जैसे सुबह को तीन बचा हुआ था तो अभी कितना बचा हुआ है आपको दिखाएगा। आप देख सकता है अच्छा से दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है हमको तो इतना क्लियर नहीं, बट यहाँ तीन, एक दो तीन, अभी भी तीन स्टिक बचा हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि एक स्टिक से आपका 100 किलोमीटर एबव माइलेज चला जाता है। देखिए अभी भी तीन स्टिक बचा है वो साइन, इसका मतलब साफ है कि एक स्टिक से आपका 100 किलोमीटर एबव तो चला जाता है। और यहाँ से अभी ईटानगर तक कितना रास्ता किलोमीटर है उसको भी हम बताएगा आपको नेट में, अभी जस्ट देख लेगा, उसके बाद वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने स्टिक गिर जाता है उसको भी आपको हम अच्छा से बताएगा। तो बने रहिए चलिए इस सफ़र में मेरे हम सफ़र। अभी हम भी अभी जस्ट हम माइनस करके यहाँ गाड़ी में बैठ के फिर गाड़ी को ऑन किया है तो आपको हम कुछ दिखाएगा, जैसे कि पासीघाट टू धेमाजी 127.7 किलोमीटर था। तो जस्ट अभी हम धेमाजी को पार किया वाला मेरा ऑलमोस्ट 10 मिनट ऐसे कुछ हो गया। तो इसमें हम देख रहा है, आप भी देख रहा होगा कि आगे को तीन था अभी दो आ गया, कहने का मतलब यह है कि अभी आप इसमें देख रहा होगा इसमें दो है, पहले तीन था सिलापत्थर तक तीन था। तो धेमाजी आते आते धेमाजी से हम जस्ट 5 मिनट ऐसे हो गया ड्राइव करने ला, ये दो में आ गया। तो इससे अंदाज लगा सकता है कि जो एक जो ये बॉक्स टाइप का एक इंडिकेटर है डीजल का तो वो एक इंडिकेटर शायद 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है हमको ऐसा लग रहा है। इसको एवरेज कैसे निकालेगा मालूम नहीं, बट बोलना ये चाहता है कि ये जो बॉक्स टाइप का है ना जो इंडिकेटर में है ये एक बॉक्स 100 एबव किलोमीटर आपका ड्राइव हो सकेगा आराम से अगर आपका पास माइलेज का इतना आइडिया नहीं होने से भी आराम से 100 एबव चला जाएगा। बेसी बेसी मान लीजिए आपका 80 किलोमीटर टू चला जाएगा आराम से। सो अभी ये दो स्टिक बचा हुआ है, ये दो स्टिक से पासीघाट से ईटानगर पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है वो आप मेरे साथ जब हम पासीघाट से ईटानगर पहुँचेगा, अभी ईटानगर जब पहुँचेगा तब आपको मालूम होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कैलकुलेशन कैसे करते हैं मालूम नहीं बट एक आइडिया हो जाएगा कि कितना होता है। अभी यहाँ से ईटानगर ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ज़्यादा है, तो ये अभी बॉक्स जो है ना इंडिकेटर ये जस्ट अभी रिसेंटली दो में आया, आगे को तीन था अभी जस्ट दो आया है। तो अगर ये जो ऊपर वाला एक इंडिकेटर है वो यहाँ से ईटानगर तक पहुँचता है तो मैंने वहाँ तक पहुँच के ख़त्म नहीं होता है तो
इसका मतलब है कि वहाँ से आप ये जो इंडिकेटर एक दिया हुआ है ना बॉक्स, यहाँ से और जितना हम आपको बताने दिल लग रहा है वो हम अच्छा से एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बट आप समझ रहे हैं ना। नहीं समझने भी इससे, नहीं समझने से भी क्या करेगा है। अकेला अकेला जर्नी बहुत बोरिंग है, लेकिन आज मौसम तो रहती है, बारिश गिर रहा है, बारिश भी थोड़ा गिरते है थोड़ा नहीं गिरते ऐसे हो रहा है, बट होप कि अच्छे से ईटानगर तक पहुँच जाएगा होगा। सो फाइनली मेरे हम सफ़र अभी हरमोती पहुंच गया। हरमोती एक जगह है जो अरुणाचल से जस्ट अटैच है, इसको जस्ट पार करेगा तो आपका अरुणाचल एंटर करेगा। तो ये थोड़ा सा नज़ारा आपका हरमोती का, ये है हरमोती, छोटा है बट कमर्शियली अभी अरुणाचल का प्रपोज से देखेगा तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ ही सब शॉपिंग इन द सेंस मार्केटिंग करने आता है, स्पेशली सब्जी का। वहाँ से जाएगा तो आपका बंदरदुरा निकलेगा और ये सीधा जाएगा तो आपका अरुणाचल एंट्री करेगा। पहुँचने के लिए घूम तो हम लोग का बाउंड्री है हरमोती, और बोले तो आसाम और अरुणाचल का बाउंड्री है घूम तो। वहाँ एक चेक पोस्ट मिलेगा जिसको आप पार करके अरुणाचल एंटर करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट भी बनाना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट के बारे में तो आपको ज़्यादा बताने का ज़रूरी नहीं है, आप सब मालूम है इनर लाइन परमिट क्या है। सो वाह थक गया सच में, अकेला ईटानगर में सब कुछ बदल गया, बिल्डिंग एक स्टोरी वाला 4-5 स्टोरी हो गया, सिर्फ कुछ नहीं बदला है। तो ये सड़क जैसे था वैसे ही है, उससे बदल तो आपको यहाँ से सीधा ले जाएगा नाहरलगन, मेन नाहरलगन और ईटानगर, हमको यहाँ से राइट टर्न करना पड़ेगा अपना घर जाने के लिए, अपना रूम जाने के लिए। एक छोटा सा गली से जाएगा, अच्छी बहुत डाउन है ये, आप ऐसे वीडियो में इतना डाउन तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत डाउन है। तो वाह हम रहता है चाचा का है। तो फाइनली पहुंच गया मेरे हम सफर, हम जहाँ तक पहुंचना था अपना घर, अपना रूम, छोटा सा रूम, रेंटेड वाला रूम है, रेंट लिया हुआ वाला रूम है। सो आपको हम जैसे कि बताया था आगे को कि ईटानगर तक पहुँचने के लिए कितना तेल खाता होगा ये गाड़ी, कितना खाता है इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ आप एक आइडिया, बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि कितना खाएगा होगा। ईटानगर से लेके पासीघाट से लेके ईटानगर ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर है, हम इंटरनेट में देखा था। तो उस समय 3 स्टिक था मेरा में, इसको स्टिक बोले इसको स्टिक बोलेगा कि क्या बोलेगा आइडिया नहीं है, बट आप समझ रहा होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। 3 स्टिक था तो अभी वो स्टिक कितना हो गया उससे आप अंदाज लगा सकेगा। धेमाजी तक पासीघाट से लेके धेमाजी थोड़ा सा क्रॉस किया था, उस समय एक स्टिक गायब हो गया था, लगता है कि इसमें अभी 3 स्टिक से कितना स्टिक बचा होगा। ये देख रहा होगा अभी एक स्टिक बचा हुआ है, और ये डीजल को आप देख रहा होगा, ये डीजल रिजर्व में आ गया, एक स्टिक बचा हुआ है। तो हमको लगता है कि जो ये एक स्टिक है इससे आप 1 किलोमीटर, हमको लगता है कि आप जो ये एक स्टिक है इससे आप 100 किलोमीटर
हमको ऐसे लगता है कि एक स्टिक से आप 100 किलोमीटर चल सकते हैं आराम से, नहीं नहीं बोलने से 80 किलोमीटर आराम से चला जाएगा आपका जो एक स्टिक बचा हुआ है ना। बागी तिनियाली तक पहुँचते पहुँचते मेरा ये रिजर्व आ गया था, जो ये पेट्रोल या डीजल का इंडिकेटर है ना वो आ गया था। सो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक स्टिक से कितना 100 आइडर 90 और 80 के बीच में आप आराम से एक लंबा सफ़र ट्रैवल कर सकेगा। सो बस यही था मेरे हम सफ़र एक छोटा सा वीडियो कि हम 3 स्टिक से पासीघाट से यहाँ तक कैसे पहुँचाए और पहुँचाए अभी तो कितना स्टिक तक रह गया लास्ट तक, तो लास्ट में सिर्फ एक स्टिक रह गया जस्ट अभी यहाँ से जहाँ हम बैठा हुआ यहाँ से जस्ट 4 किलोमीटर भी नहीं होता होगा, 3 किलोमीटर कुछ ऐसे होता होगा, उसमें ये येलो जो थिंग इंडिकेटर है ना वो निकल गया था। तो बस यही था, कैसा लगा है मालूम नहीं, बट जर्नी तो बहुत अच्छा था, बट एकला जर्नी होने से थोड़ा बदन उदन थक भी जाता है, प्लस थोड़ा नींद भी लग जाता है क्योंकि कोई साथ में नहीं है तो बात करने के लिए। सो बस यही थोड़ा सा वीडियो, सो मेरे हम सफ़र ये वीडियो को यही ख़त्म करेगा। अभी मेरा दोस्त को फ़ोन करना पड़ेगा मार्क मोयोंग को, जिसका हम सामान बुक दिया है।